सो अगर आप अंडर 1000 रुपीज़ या फिर उसके आसपास कोई TWS एयरबड खरीदना चाहते हो एंड नॉर्मल यूज़ के अलावा गेमिंग अगर आपकी जो है सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, देन आपको ये विंग्स फैंटम 800 जो है वो चेक करना चाहिए। 999 रुपीज़ की लॉन्च प्राइस पर ये TWS एयरबड ऐसा बहुत कुछ प्रॉमिस करता है जो आई थिंक इस प्राइस के किसी और TWS एयरबड में देखने को नहीं मिलता, जैसे कि गेमिंग ओरिएंटेड डिजाइन एंड लो लेटेंसी गेमिंग मोड के अलावा इस ईयरबड में आपको जो है डेडिकेटेड ऐप सपोर्ट भी मिलता है, जिससे आप जो टच कंट्रोल है उसे कस्टमाइज कर सकते हो। साथ ही में आपको कस्टम ऑडियो इक्वलाइजर का ऑप्शन भी ऐप में मिलता है। हालांकि इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं एंड साथ में कुछ कॉम्प्रोमाइज भी है। TWS के साथ आपको जो है कुछ पेपर वर्क मिलता है, 2 डिफरेंट साइज की एयरटिप्स मिलती है, USB टाइप सी चार्जिंग केबल मिलता है। अगर फील के साथ अनबॉक्सिंग देखनी है तो आप हमारे YouTube शॉर्ट सेक्शन में या फिर Instagram रील में जाके जो है वो चेक कर सकते हो। जो डिज़ाइन है इस ईयरबड की वो काफ़ी यूनिक है, वैसे शेप जो है वो यूनिक है, बाकी ज़्यादातर गेमिंग TWS ईयरबड में कुछ ऐसी ही सिमिलर डिज़ाइन जो है वो देखने को मिलती है। एडवांस रोबोट स्नैक हेड जैसी कुछ इसकी डिज़ाइन है। जब चार्जिंग केस की ग्रीन LED लाइट होती है तब तो कुछ ऐसा ही है दिखता है। यस, ओवरऑल एक गेमिंग वाली वाइब इससे ज़रूर से मिल जाती है। एंड इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी प्राइस के कंपेयर में काफ़ी अच्छी है, तो डोंट वरी, आपकी और इस ईयरबड की जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी लंबी चलेगी। एंड जो ईयरबड है उसकी भी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है एंड ये काफ़ी कंफर्टेबल भी है बिकॉज ये काफ़ी लाइट वेट है। प्लस लेटेस्ट एप्पल एयरपोर्ट की सिमिलर 120 डिग्री टेंगल एयर टिप्स आपको मिलती है, जो ओवरऑल एक कंफर्टेबल एक्सपीरियंस जो है वो ऑफर करती है। प्लस एक सिक्योर एंड टाइट फिटिंग भी ये जो है आपको देती है, तो गेम के अलावा जिम या फिर स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए भी जो है आप इसे एक आइडियल ऑप्शन में काउंट कर सकते हो। बाकी IPX5 वाटरप्रूफ रेटिंग है इसमें, तो स्वेट या फिर रेन से आपको डरने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बाकी जो सबसे बड़ी हाईलाइट है इस ईयरबड की वो है डेडिकेटेड ऐप सपोर्ट। विंग सिंक्रोनाइज ऐप जो है आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी होगी, वैसे एप्लीकेशन के बिना भी जो आप इसे यूज़ कर सकते हो, बट वर्थ इट है डाउनलोड करना क्योंकि काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन जो है आपको ऐप में मिलते हैं। जो टच कंट्रोल है उसे आप जो है अपने यूज़ के हिसाब से ऐप के थ्रू जो है उसे कस्टमाइज कर पाओगे। इसके अलावा ईयरबड में जो है आपको ग्रीन लाइट जो बार दिख रही है ऊपर वो डिफॉल्ट तो जो है वो बंद ही रहती है, उसे ऑन करने के लिए आप जो है ऐप के थ्रू जो है उसे ऑन ऑफ कर पाओगे। एंड ऐप में आपको ऑप्शन भी मिलते हैं, 3 ऑप्शन जो है आपको टोटल मिलते हैं, तो आप अपने हिसाब से जो है वो सेट कर सकते हो। गेम मोड जो है आप डायरेक्टली राइट ईयरबड को डबल प्रेस करके ऑन ऑफ जो है वो हो जाता है, उसकी वॉइस नोटिफिकेशन भी जो है मिलती है, बट आसानी के लिए ऐप में भी जो है ऑप्शन दिया तो वहां से ऑन ऑफ करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा ऑटो शटडाउन, डिवाइस नेम चेंज करने का ऑप्शन एंड TWS एयरबड फाइंडर जैसे बेसिक ऑप्शन तो आपको इसके अंदर मिलते ही है। जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो है कस्टम ऑडियो इक्वलाइजर। प्रीसेट 8 to 9 डिफरेंट ट्यूनिंग मोड जो है ऐप के अंदर मिलते हैं। गेमिंग के टाइम डिफॉल्ट मोड ट्राई करोगे, बाकी म्यूजिक के टाइम आप रॉक सॉफ्ट फ्रीज मोड जो है वो ट्राई कर सकते हो। बाकी आप इन प्रीसेट मोड को अपने हिसाब से भी जो है वो चेंज कर सकते हो, अपना एक अलग ऑडियो मोड भी जो है बना के वहां पे सेव रख सकते हो। सो यस, ऐप सपोर्ट होना इस TWS एयरबड के लिए बहुत बड़ा जो है वो एडवांटेज है। जनरली इस प्राइस रेंज में किसी और ईयरबड्स में आपको ये सारे ऑप्शन जो है वो देखने को नहीं मिलते। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो मैंने इसे जो है COD मोबाइल पे जो है टेस्ट किया था एंड गेमिंग में मुझे इसकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी डिसेंट लगी। डिफॉल्ट मोड में कोई भी फ्रीक्वेंसी जो है मुझे ओवर पावर नहीं लगी, जिसे ज़्यादातर तक कंटिन्यूस बुलेट साउंड या फिर ब्लास्ट साउंड सुनने के बाद जो फैटिक फील होता है ना वो इसमें बिल्कुल भी नहीं होता, जो अच्छी बात है। बाकी हाँ, ओवरऑल लोअर फ्रीक्वेंसी बेस उतना ज़्यादा इसमें नहीं है, या कह सकते हो कि उतना ज़्यादा जो है वो ब्राइट नहीं है, जिसकी कमी कहीं ना कहीं गेमिंग में फील होती है। वैसे इस प्राइस रेंज में ज़्यादा कंप्लेंट हम नहीं कर सकते, बट जो सच है वो तो है। वैसे रॉक मोड एंड कस्टम इक्वलाइजर से थोड़ा बहुत जो है एडजस्टमेंट इसमें हो जाता है, तो गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इसकी साउंड क्वालिटी जो है वो डिसेंट लगी। इजीली एनिमी लोकेशन एंड फुटस्टेप जो है आपको पता चल जाते हैं, तो गेमिंग के हिसाब से इसकी साउंड क्वालिटी में कोई भी ज़्यादा कंप्लेंट करने लायक जो कुछ भी नहीं है। बाकी लेटेंसी वाइज कंपनी 50 ms की लो लेटेंसी जो है इसमें प्रॉमिस करती है गेमिंग मोड में, उतनी कम तो खैर नहीं होती। लाइक अदर बजट गेमिंग TWS इसमें भी थोड़ा बहुत जो है वो डिले तो है ही, बट बहुत ज़्यादा लेटेंसी गेम यहाँ पे नहीं है, तो कैजुअल गेम प्ले में कोई भी दिक्कत जो है आपको नहीं आएगी। बाकी गेमिंग छोड़ के साउंड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो यस, आप नॉर्मल यूज़ के लिए भी जो है इसे कंसिडर कर सकते हो। प्राइस के हिसाब से साउंड क्वालिटी इसकी ठीक है, कस्टम इक्वलाइजर है तो आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत जो है वो एडजस्ट कर पाओगे। बाकी माइक्रोफोन की बात करें तो साथ में एक छोटा सा जो है आपको मैं डेमो दे रहा हूँ ताकि आपको जो है आइडिया आ जाए। सो अभी जो आप ये आवाज़ सुन रहे हो वो मैं इसके माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड क्वालिटी जो है इसकी काफ़ी डिसेंट है, नथिंग न्यू, बट कुछ भी डाउन साइड जो है माइक्रोफोन में नहीं है। ज़्यादातर TWS एयरबड में सेम ऐसा ही माइक्रोफोन होता है, तो ठीक वैसा ही आपको इसमें मिलता है। बैकग्राउंड नॉइज जो है ये काफ़ी कम कैच कर रहा है, इवन मेरे PC का फैंस चल रहे हैं बट वो वॉइस आपको जो है ज़्यादा नहीं मिल रही है, तो लाइक माइक्रोफोन जो है वो काफ़ी डिसेंटली यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो गेम्स या फिर ऑनलाइन कॉल्स वगैरह के लिए जो है ये आइडियल है। इस प्राइस रेंज के TWS में जैसा आप माइक्रोफोन एक्सपेक्ट करते हो ठीक वैसा जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3 के साथ जो है ये आता है, तो पेयरिंग कनेक्टिविटी या फिर ब्लूटूथ रेंज को लेके इसमें कोई भी शिकायत नहीं है।
बैटरी बैकअप भी जो है इसका डिसेंट है। 50 आवर का टोटल प्लेबैक टाइम जो है कंपनी इस ईयरबड में प्रॉमिस करती है, बट रियल वर्ल्ड यूज में अप्रोक्स 25-30 आवर का प्लेबैक टाइम जो आपको ईयरबड और चार्जिंग केस से जो है मिल जाएगा, जो कि नॉर्मल है। जनरली ज्यादा TWS ईयरबड इसी रेंज में जो है वो रहते हैं। तो अगर आपके फोन में जो है हेडफोन जैक नहीं है एंड बजट में एक वायरलेस ऑप्शन ढूंढ रहे हो आप गेमिंग के लिए, तो डेफिनेटली जो है आप इस TWS ईयरबड को कंसीडर कर सकते हो। सिर्फ 1000 रुपीज की प्राइस रेंज ही नहीं, 1500 रुपीज में भी आप इसे एक अच्छा ऑप्शन जो है वो मान सकते हो। तो बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगर फिर भी कोई सवाल जो है इस प्रोडक्ट को लेकर आपके मन में जो है रह जाता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट के जरिए पूछ सकते हो, मैं जितनी जल्दी हो सके आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मैं कल फिर मिलूंगा एक नए प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए।